नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये वृत्तांत वेदव्यास रचित महाभारत से लिया गया है। यह उस समय की बात है जब महावीर कर्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अंतिम सांसें ले रहे थे। उस समय घायल कर्ण को देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को चुटकी लेते हुए कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है? इस बात को साबित करने के लिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन दोनों ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुँचे और कर्ण को प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहाँ आने का कारण पूछा तो कृष्ण ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या ही दे सकोगे। कर्ण बोले, मैं तो रणभूमि में घायल पड़ा हूँ, आप मेरी पत्नी से जाकर दान ले लीजिए। श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि हमें दान देना है तो दो, नहीं तो हम खाली हाथ ही लौट जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम साधु हैं, अगर हमें परिश्रम ही करना होता तो हम दान क्यों मांगते। अश्रमात करने के ध्यान आता है कि उसके सामने के दो दांत सोने के हैं। वो श्री कृष्ण से पत्थर मांगते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, देखो कर्ण, तुम्हें दान देना है तो दो, पर हमें परिश्रम के लिए मत बोलो। मैंने पहले ही तुम्हें चताया था कि हम साधु हैं और हम परिश्रम नहीं करते। कर्ण का शरीर लहूलुहान था, अब उसमें थोड़े भी चलने की क्षमता नहीं थी, पूरा शरीर बाणों से बिंधा हुआ था। फिर कर्ण कोहनी के बल सरक कर पत्थर के पास जाता है, पर पत्थर भारी होने के कारण कर्ण उसे उठा नहीं पाता, तो वह अपने मुंह को ही पत्थर पर दे मारता है। उसके बाद मुंह लहूलुहान हो जाता है। फिर दोनों सोने के दांत उठाकर श्री कृष्ण भगवान को देने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम खून से सना हुआ दांत नहीं ले सकते, इनको गंगा जल से पवित्र करके दो। कर्ण देखता है कि वह अपने धनुष बाण से दूर आ गया है। फिर कोहनी के बल सरकते सरकते वह धनुष बाण के पास जाता है। धनुष बाण को धनुष पर चढ़ाकर गंगा मैया को याद करके वह पृथ्वी में एक बाण मारता है जिससे गंगा की धार निकलती है और तब वह गंगा जल से दोनों सोने के दांतों को धोकर श्री कृष्ण भगवान को अर्पण कर देता है। इस दानवीरता से खुश होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आकर और कर्ण को वरदान मांगने को कहते हैं। कर्ण भगवान कृष्ण से तीन वरदान मांगते हैं। कर्ण वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण से अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहता है। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण को जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा। तीसरे वरदान में कर्ण मांगते हैं कि उसका अंतिम संस्कार किसी ऐसे पापमुक्त व्यक्ति द्वारा किया जाए और किसी ऐसे स्थान पर किया जाए जिस पर आज तक किसी का भी अंतिम संस्कार ना किया गया हो। जब कर्ण अपना प्राण त्याग देते हैं तब भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पृथ्वी पर केवल सुई की नोक जितने बराबर स्थान बचा था। कृष्ण भगवान अपनी हथेली को बड़ा करके उस पर कर्ण का अंतिम संस्कार करते हैं। पृथ्वी की कई सतहों तक सुई की नोक जितनी जगह में उसकी राख को प्रविष्ट कराते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए।